मरीज डॉक्टर साहब रवि रंजन कुमार है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। फिजियोथेरेपिस्ट मनोज कुमार राय जी हमारे बीच है। हमारे बीच सिस्टर फ्रांसिस्का है, उनका जन्म। और हमारे लिए सिस्टर सरस्वती गोप जी हैं जो एएनएम है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, विद्यालय उच्च विद्यालय अरुआ परिवार की ओर से सेंटर के सभी जो महानुभाव यहाँ आए हैं सबका हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन के विषय में आपको प्रोजेक्टर से दिखाया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। एक समय इसको बहुत ही सामाजिक हेय दृष्टि से देखा जाता है इस रोग को, लेकिन हम लोग बहुत दिन से जानते हैं कि आमदा में सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हम मिले हैं जो कि आमदा का काफी नाम करते हैं, सेंटर का नाम करते हैं। तो इस बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करो और ये सामाजिक एक इसको अपराध के रूप में देखा जाता है, इसको कैसे हम आगे और इसका इसको इसके दुष्प्रभाव को खत्म करें, इस विषय में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत और हम लोग चाहेंगे कार्यक्रम शुरू के बगल में। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, शुरुआत से डायरेक्ट जाते हैं। डॉक्टर जी आप लोगों के लिए, डॉक्टर रवि आप लोगों के लिए कुछ टिप्स देंगे किस प्रकार हम लोग कुष्ठ रोगों को किस प्रकार देखते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, किस प्रकार हम लोग को उस आजकल बहुत लोग देखते हैं इस बीमारी को बीमारी के रूप में नहीं लेकिन एक अपराध या पाप के रूप में भी देखते हैं। हम लोग एमडी केस मानते हैं और उसका इलाज एक साल चलता है। एक साल आप दवा खाइएगा, समय समय पे आपका और भी एग्जामिन होगा और पूरी तरह से आप क्योर हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाइएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। दूसरा अगर है कि जैसे हम लोगों ने जाना कि नर्व भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो अगर एक नर्व इन्वॉल्व है और पांच पैचेज हैं तब भी वो पीडी केस में आएंगे, लेकिन अगर दो नर्व आपके इन्वॉल्व हो गए और कोई भी पैचेज नहीं है तब भी वो एमडी केस में है और आपको एक साल दवा खाना होगा। एक साल दवा खाइएगा।